हेलो स्टूडेंट लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ़ द इंडियन प्रेसिडेंट. टू कंटिन्यू दिस टॉपिक द थर्ड पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ पावर इन फॉरेन अफेयर्स यानी कि जितने भी जो विदेशी मामले हैं उससे संबंधित जो शक्तियां हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे बींग द लीगल हैड ऑफ इंडियन यूनियन द प्रसिडेंट रिप्रजेंटेड इंडिया इज़ फॉरेन कंट फॉरेन कंट्रीज़ यानी कि भारत में जो लीगल हैड का मतलब जो है कानूनी अध्यक्ष के रूप में जो प्रेसिडेंट है वह जो भारत के राष्ट्रपति कार्यरत है और फॉरेन कंट्रीज़ यानी कि जितनी भी जो विदेश विदेश हैं वहाँ पे भारत को रिप्रजेंट यानी कि उसको भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं अपॉइंटेड एब एंड डिप्लोमेस्टिक रिस रेप्रजेंटिव फॉर द इंडियन असेंबलीज़ जो भारतीय दूतावास है दूतावास का मतलब जो विदेशों में भारत के जो कार्यालय हैं उसे भारतीय दूतावास कहा जाता है उसमें जो एम्बेसट यानी कि राष्ट्रदूत होते हैं और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं उनको अपॉइंटमेंट उनका जो नियुक्ति है उसका कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है लोकेट अब्रॉड एंड एक्सेप्ट सरिफाइड ऑफ फॉरन एम्बेसटर ऑफ डिप्लोमैट्स ऑल पार्ट पैक्ट द एग्रीमेंट ऑफ फॉरन नेशन एंड आल्सो साइन इन द नेम ऑफ प्रसिडेंट जितने भी जो विदेशों के साथ जितने भी एग्रीमेंट जितने भी समझौते या जो संधियाँ की जाती हैं उन सभी पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है यानी कि जो जितने भी हम फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनसे जितने भी एग्रीमेंट जितनी भी ट्रीटीज करते हैं उनके लिए उन पर जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाते हैं द फोर्थ पावर इज़ मिलिट्री पावर ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया बट ही कैन यूज़ द पावर अकॉर्डिंग टू द लॉ जो अगर हम देखें तो जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च सेनापति हैं डिफेंस फोर्स यानी कि जो हमारी जितनी भी जो सेनाएं हैं हमारी जो तीनों सेनाएं हैं जैसे वो आर्मी हो एयर फोर्स हो या नेवी हो उनके सुप्रीम कमांडर के रूप में जो प्रेसिडेंट है वो वर्क करते हैं परंतु वह है अपनी इन शक्तियों का उपयोग लॉ यानि कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन पावर्स का यूज़ किया जाता है ऑनली पार्लियामेंट होल्ड द पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ डिफेंस सर्विस केवल जो पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है उसी के पास ये शक्ति होती है कि जो डिफेंस है जो रक्षा से संबंधित मामले हैं उनके संबंधित लॉ यानी कि कानून बनाने का कार्य पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा ही किया जाता है वॉर एंड पीस यानी कि चाहे से वो युद्ध का समय हो चाहे से वो बीस यानी कि शांति का काल हो ऐसे जो डिफेंस की जितनी भी सर्विसेज़ है उस पर लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है सो विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नाइदर डी डिक्लेयर वॉर नॉर कैन बी यूज़ आर्मीज़ यानी कि बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रपति के द्वारा ना तो युद्ध की घोषणा की जा सकती है और ना ही आर्मी यानी कि जो हमारी सेना है उसका उपयोग किया जा सकता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इंडियन जो फोर्स है इंडिया की जो तीनों जो फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति काम तो करता है बट उसके लिए उसे जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ नॉमिनेशन The president hold the right to nominate twelve members in Rajya Sabha. They are, are the pro personality who excellent in literature uh, arts in any other field. He can nominate two members of Anglo, Anglo Indian community in Lok Sabha. जो भारत के राष्ट्रपति को नॉमिनेशन्स यानी कि जो कई ऐसे भी सदस्यों को मनोनीत करने की भी जो पावर्स होती है जिस प्रकार से राज्यसभा में जो रा, जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा ट्वेल्व मेंबर्स बारह सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ठीक उसी प्रकार से लोकसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा दो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है द नेक्स्ट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ यूज़ ऑफ़ वोट पावर ऑन ए बिल यानी कि किसी भी विधेयक पर जो अपने वोट यानी कि अपना मत देने की शक्ति एवरी बिल अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट टेक द फॉर्म ऑफ लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ़ द प्रेसिडेंट। जित जो भी बिल यानी कि जो भी विधेयक जो संसद के द्वारा पारित किया जाता है उसे लॉ यानी कि कानून बनने से पहले जो राष्ट्रपति है उसका अप्रूवल यानी कि उसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है ही कैन रिटर्न ए जर्नल बिल टू पार्लियामेंट ऑफ री रिकन कन्डस्टेशन विथ ए फ्यू सजेशंस यानी कि यह जर्नल बिल यानी कि जो सामान्य विधेयक होता है उसे जो राष्ट्रपति के द्वारा पार्लियामेंट यानी संसद को दोबारा से भेजा जा सकता है उसमें कुछ सजेशन यानी कि कुछ सुझाव के सुझाव के साथ उसे वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है बट इफ़ द बिल इज़ अगेन पास्ड बाय पार्लियामेंट विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट अबेंडमेंट देन द प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर द सेकेंड टाइम लेकिन अगर जो दोबारा से अगर पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा उसमें बदलाव किए बदलाव के साथ या बिना बदलाव के साथ भी अगर प्रेसिडेंट के पास में दोबारा से उस बिल को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है यानी कि एक एक बार तो जर्नल बिल को है वो प्रेसिडेंट है वो दोबारा से जो पार्लियामेंट को भेज सकता है परंतु सेकेंड टाइम पर अगर पार्लियामेंट उस बिल को पास करके राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है